क्या कि हमारे आर्मी के लोग गुंडे हैं। ये क्या बोल रही है, क्या बकवास कर रही है तू? मैं नहीं बोल रही, टीवी बोल रहा है। टीवी? हाँ, वो नेता बोल रहा था कि हमारी आर्मी के लोग गुंडों जैसी बात करते हैं। छोड़ ना तू, हमारे पापा भी तो आर्मी में हैं, वो भी क्या गुंडे हैं? हमारे पापा देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं, गुंडे नहीं है वो। तो फिर वो नेता ऐसे क्यों बोला? ये नेता लोग ना ऐसी बकवास करते हैं। जब हम बकवास करते हैं तब हमारी मैडम हमको पनिश करती है। उस नेता की कोई मैडम नहीं जो उसे पनिश करे। उनकी मैडम तो उन्हें तब पनिशमेंट देती है जब कोई उनकी मैडम को या उनके परिवार वालों को गाली दे। क्या ये नेता नहीं जानते कि हमारे पापा हमसे कितना दूर रहते हैं? होली, दिवाली, हमारे बर्थडे में भी हमारे पापा नहीं आ पाते। अरे उसे नेताओं को क्या मतलब, वो तो अपना बर्थडे और न्यू ईयर भी स्पेन में मनाते हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वो राज परिवार के हैं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं ना। और हम तो आर्मी में जाकर देश के लिए मरने के लिए पैदा हुए हैं। फिर वो आर्मी को गाली क्यों देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आर्मी वाले चुपचाप मरे, कुछ बोले ना। वो नेता बोल रहा था कि पत्थरबाज को जीप से बांधकर गलत किया। अरे मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने उस पत्थरबाज को जीप के आगे बांधकर गलत किया। जीप के तो चारों तरफ से पत्थर पड़ रहे थे, उन्हें तो चारों तरफ चार पत्थरबाज बांधने चाहिए थे, तब आता मजा। ये नेता लोग आर्मी से क्या चाहते हैं? अरे ये नेता और ये इंटेलेक्चुअल बस इतना चाहते हैं कि कश्मीर में लोग चाहे आर्मी को पत्थर मारे या गोली मारे, आर्मी कुछ ना कहे, बस गांधी जी की लाठी लेकर खड़े रहे। फिर हमारे देश की रक्षा कैसे होगी? वो तो आर्मी का ठेका लिया हुआ है कि बिना गोली चलाए देश की रक्षा करो। इसीलिए पाकिस्तान ने आधा कश्मीर हड़प लिया, इसीलिए चीन ने आधा लद्दाख हड़प लिया। खुद तो ये नेता ऐश करते हैं और आर्मी वालों को गाली देते हैं। तो ऐसे नेताओं को हमारे देश के लोग जूते क्यों नहीं मारते? अरे मुझे क्या बोल रही है, बोलना है तो देश के लोगों से बोल, वो देख सुन रहे हैं। आप लोग चुप क्यों हैं? मेरे पापा आप लोगों की रक्षा के लिए जान देने के लिए तैयार है और